जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बीइंग। क्योंकि आप जब भी किसी इंटरव्यूज में जाते हैं या किसी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें काम आती है, या फिर आप साइट पर अगर आते हैं तो आपके पास कोई ड्राइंग अगर आती है, कोई ड्राइंग्स आपके टेबल पर पड़ी हुई है अगर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की बीम है और स्लैब में ये किस टाइप की बीम जो है जा रही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, बीम की क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने टाइप्स का बीम होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पांच टाइप का, फाइव टाइप का बीम होता है। जो सबसे पहला बीम है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस साइड में आप साइड में आपके एक वीडियोज़ प्ले हो रहा होगा, स्क्रीन रिकॉर्डर में लगा रखा, साइड में आपके वीडियोज़ प्ले हो रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट जो है वो है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में क्या होता है कि मोर देन टू सपोर्ट्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सपोर्ट्स होता है। इन सपोर्ट्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बीम में, एक राइट साइड में एक सपोर्ट है, लेफ्ट साइड में एक सपोर्ट है, और बीच सेंटर में दो सपोर्ट दिया हुआ है और ऊपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये है आपका। उसके बाद कंटिन्यूस बीम की ये कंडीशन होती है। पूछा कंटिन्यूस बीम का, आप पूछा आपके बारे में कंटिन्यूस बीम का, आप थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए ब्रीफ में, तो आप बताएंगे कि सर कंटिन्यूस बीम में मोर देन टू सपोर्ट्स होते हैं, दो सपोर्ट से ज़्यादा होता है कंटिन्यूस बीम में। उसके बाद आप आते हैं फिक्स्ड बीम पे। उसके बाद आपके देखिए ये जो सेकेंड आपका जो अभी चल रहा है वो है आपका फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या होता है, बोथ एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड, यानी कि दोनों साइड का जो एंड होता है, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड का जो एंड आप देख सकते हैं फोटो में देख सकते हैं, दोनों साइड का जो एंड होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, यानी ए साइड और बी साइड, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड का फिक्स होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट आते हैं ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम के बारे में आपसे पूछा जाता है, ओवर हैंगिंग बीम क्या है, तो ओवर हैंगिंग बीम के बारे में बताना है कि बोथ एंड्स प्रोजेक्ट बिहाइंड द सपोर्ट, यानी कि ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि ये बिल्कुल हैंग करता है। जो नाम से ही लग रहा है आपको ओवर हैंगिंग होता है, ये बिल्कुल ये हैंग कर रहा है, यानी कि इसके बॉटम से सपोर्ट नहीं, इसके टॉप से सपोर्ट आता है। आप देख रहे होंगे टॉप से सपोर्ट है इसके ओवर हैंगिंग में, आप देख सकते हैं बॉटम में सिर्फ दो सपोर्ट दिया हुआ है, सेंटर में दो सपोर्ट से, बाकी साइड्स में बिल्कुल हैंग, मतलब हैंग कर रहा है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड हैंग कर रहा है, बीच में दो सपोर्ट दिए हुए हैं नीचे से और ऊपर से लोड इसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इसका जो डेफिनेशन है कि बोथ एंड्स बिहाइंड द प्रोजेक्ट, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट्स के बिहाइंड में, यानी बीच सेंटर में इसके जो है सपोर्ट्स देते हैं। तो ओवर हैंगिंग बीम का ये हो गया डेफिनेशन। उसके बाद आता है सिंपली सपोर्टेड या फ्रीली सपोर्टेड, दोनों कह सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड भी कह सकते हैं या फ्रीली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का डेफिनेशन ये है कि हुज एंड्स इज फ्रीली रेस्ट ओनली द वॉल कॉलम्स एंड नाइफ, यानी कि इसमें क्या है कि इसमें जो सपोर्ट्स होते हैं सिंपली सपोर्ट्स में, ये इसका जो सपोर्ट था वो किसी कॉलम पे, वॉल पे या नाइफ एज पे रेस्ट करता है। तो ये आप देख सकते हैं, आपके ऑलरेडी मैंने साइड में आप देखिए सिंपली सपोर्ट बीम का ये फिगर देखिए, राइट एंड लेफ्ट साइड में जो है ये दोनों जो है सपोर्ट हैंग करेगा। और लास्ट आता है सबसे लास्ट कैंटिलीवर भी मैं कहता हूँ हुज वन इंड इज फिक्स्ड, वन एक फिक्स रहेगा और दूसरा फ्री रहेगा, तो दैट इज़ द कैंटिलीवर बीम। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।